हेलो एवरीवन, बहुत से लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, क्या कोई डेट ऑर्गेनाइज होता है कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है, कि आने वाले 10 तारीख को है, आने वाले 15 तारीख को एग्जाम होने वाला है, आने वाले 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है। क्योंकि शायद हमारे किसी स्टूडेंट्स को किसी ने ऐसा बताया होगा, तभी वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। असल में बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा एक डेट प्लान नहीं होता है कि इस दिन आपका एग्जाम होना है इंट्रेंस टेस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स डेट नहीं है जिस दिन अब होता है हमको बोले जल्दी से अप्लाई कर लो क्योंकि कल एग्जाम होने वाला है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जल्दी आज अप्लाई कर लो, अगला एग्जाम 10 दिन बाद होने वाला है, बिल्कुल नहीं। बस्कीर में ऐसा कोई शेड्यूल डेट पे एग्जामिनेशन नहीं होता है क्योंकि बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया में कोई भी एग्जाम डेट ऑर्गेनाइज नहीं करती है। हाँ, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, एक स्टेप है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या टैबलेट से आप एग्जाम दे सकते हैं। क्या प्रोसेस एग्जाम होने का और कैसे होता है? जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे तरफ बहुत से भाई लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि ग्रुप रेडी करते हैं 20 से 25 बच्चों का, 30 बच्चों का, और एक टाइम शेड्यूल करते हैं कि आपका इस टाइम एग्जाम है, ये आईडी पासवर्ड रहा, आपको एग्जाम देना है। इससे क्या होता है कि बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल इमेज बनता है कि मेरा आज इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, आज मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एक अच्छा फील भी होता है और एक नर्वसनेस बना रहता है जो मेंटेन रहे, तो एक डिमांड क्रिएट होता है, बस इसके अलावा कोई रोल नहीं है। असल में जब भी आप हमारे थ्रू एडमिशन लीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कीजिएगा, आपका एडमिशन लेटर इशू होगा बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उसके 1 से 2 दिन बाद वहाँ से आईडी पासवर्ड हम जनरेट करवा लेंगे आपके इंट्रेंस टेस्ट का। आपको लिंक मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप ऑनलाइन जाके एग्ज़ाम दे दीजिएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा। आप एक एक करके भी दे सकते हैं, हम तो ऐसे ही करवाते हैं, आज लेटर आया आपका, आज आईडी पासवर्ड मंगाते हैं, 1-2 दिन में आपके एग्ज़ाम ले लेते हैं, आगे सबमिट हो गया, जो जो बच्चा जैसे आते जाता है हम उसके एग्जाम लेते जाते हैं। हम ऐसा कोई एक डेट ऑर्गेनाइज करके ऐसा कोई हाइप क्रिएट नहीं करते हैं। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, आप अप्लाई करेंगे, आपका लेटर आएगा एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से, उसके 1 से 2 दिन के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट करा लिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटी में बिजी रहा, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैक्स मैक्स 3 से 4 दिन में जनरेट हो जाएगा। फिर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे सबमिट, उसके बाद कुछ नहीं, सीधे आपके ग्रुप अलॉट होता है, आपका इन्विटेशन आएगा, आपका वीज़ा लगेगा और आप जाओगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, एडमिशन लेटर, एग्जामिनेशन, फिर आपका ग्रुप अलॉटमेंट होगा, फिर इन्विटेशन, फिर वीज़ा लगेगा, फिर आपकी फ्लाइट होगी। पूरा प्रोसेस मैक्स टू मैक्स 20 दिन का भी नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको एडमिशन लेना है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, हम आपको गाइड करेंगे आपके मेडिकल जर्नी में। थैंक यू सो मच।